हेलो फ्रेंड्स, रत्ना की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे पाव भाजी। पाव भाजी तो बहुत ही पसंद किया जाने वाला डिश है ना? जी हाँ, ये कई तरीके से बनाया जाता है, उसी में से एक तरीका मैं आज आपको बता रही हूँ। ये टेस्ट बिल्कुल मार्केट जैसा देगा और बनाना बहुत ही आसान है। तो आइए, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें ले रहे हैं। उबली हुई मटर हम ले रहे हैं 100 ग्राम, और इसे हल्का मिक्सी में चला लिया है जिससे ये पिस गया है। 2 बड़ा टमाटर ले रहे हैं, इसे बिल्कुल बारीक काट लिया है। 2 बड़े साइज़ का प्याज ले रहे हैं, इसे भी बिल्कुल बारीक काट लिया है। शिमला मिर्च 1 मीडियम साइज़ का ले रहे हैं, इसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। आप चाहें तो इसे बारीक काट कर भी रेडी कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ का आलू, इसे बॉयल करके हमने मैश कर लिया है। पनीर 50 ग्राम लेंगे, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्च, धनिया की पत्ती बारीक कटी हुई 2 टेबल स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, पाव भाजी मसाला 1.5 टेबल स्पून, लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, नमक लेंगे स्वाद के अनुसार, बटर ले रहे हैं 50 ग्राम और 1 टेबल स्पून नींबू का रस। अब हम सबसे पहले आधा बटर को कढ़ाई में डालेंगे और इसे मेल्ट करेंगे। इसे मेल्ट हो जाने के बाद हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे सबसे पहले, और प्याज, इन्हें हम हल्का सा भूनेंगे, थोड़ा सा ये ब्राउन हो जाए, हल्का ये हो गया। अब हम इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे और उसे थोड़ी देर करीब 1 मिनट तक भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन थोड़ा सा हट जाए और ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, ताकि मसाले में आराम से ये मिल सके, घुल सके। तो करीब हम इसे 1 मिनट तक भून चुके हैं तेज़ फ्लेम पर, और ये हल्का कलर भी इसका चेंज हो गया है। अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे और बाकी सभी मसाले को, अदरक लहसुन का पेस्ट, पाव भाजी मसाला, कश्मीरी मिर्च, लाल मिर्च, मटर पीसी हुई और आलू मैश किया हुआ, नमक स्वाद के अनुसार, धनिया की पत्ती कटी हुई। अब हम इन सबको अच्छी तरह से मिलाकर और भूनेंगे थोड़ी देर, ताकि सभी मसाला भी अच्छी तरह से पक जाए, भून जाए, और हमारा सब्जी भी गल जाए मसाले के साथ। करीब हम इसे 1 से 2 मिनट भूनेंगे इसी तरह से, गैस का फ्लेम मीडियम रखकर। अब इसमें हम नींबू का रस भी ऐड कर लेते हैं और पनीर को भी डाल लेते हैं। अब इसे मिक्स करके अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट के लिए इसे हम ढक कर पकाएंगे, भूनेंगे मसाले को और सब्जी को मीडियम फ्लेम पे। तो इसे हम ढक देते हैं 1 से 2 मिनट के लिए, और 1 से 2 मिनट के बाद हम इसमें हल्का पानी डालकर 1 से 1.5 मिनट और पकाएंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर। 1 से 1.5 मिनट भूनने के बाद ये अब देखिए पानी सूख चुका है और ये बिल्कुल अच्छी तरह से भून गया है। अब इस पे हल्का पानी ऐड करके इसे हम पतला कर लेंगे, जितना पतला आप रखना चाहते हैं भाजी को, और इसे तेज़ फ्लेम पर बॉयल होने देंगे। इसमें उबाल आ गया है, अब इसमें हम बटर डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छी भाजी बनकर तैयार हो गई है फ्रेंड्स, ये देखिए, बहुत ही टेस्टी, स्वादिष्ट, बहुत लाजवाब भाजी बनी है, और बगैर कोई मेहनत के। तो इसे आप अब सर्व कर सकते हैं। गैस को हम बंद कर देंगे और अब हम सेक लेते हैं पाव। इसके लिए कोई तवा लेंगे या पैन, उसमें बटर डालकर हम पाव को सेक लेंगे। इस तरह से काट कर इसे सेक लेना है। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि पाव की रेसिपी भी आप देखें, तो आप इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर रत्ना की रसोई पर जाकर देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस रेसिपी का लिंक दे दूंगी, आप उसे भी देख सकते हैं। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। ये रही आज की रेसिपी पाव भाजी, बहुत ही स्वादिष्ट है ये। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे बताएं कि कैसी लगी ये रेसिपी, बहुत टेस्टी लगेगा आपको। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, अगली रेसिपी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बाय बाय।